मुस्लिम लाइब्रेरी के लिए लीज पर दी गई जमीन पर बनाई गई एमएल कैंटीन का बुलडोजर चलाकर सुपड़ा साफ किया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर 19 मई को तोड़ने के बाद फिर से कैंटीन का निर्माण किया गया था। मनपा के प्रवर्तन विभाग ने उसे तोड़कर जमीन खाली कर दी है। मनपा ने वर्षों पहले लाइब्रेरी के लिए 13,400 वर्ग फीट जमीन दी थी। इस जमीन पर एमएल कैंटीन नाम से होटल बनाकर अवैध उपयोग किया जा रहा है। उसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने 31 मार्च 2017 को अवैध निर्माण तोड़ने का आदेश जारी किया। कोर्ट का आदेश मिलने के बाद महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम की धारा 81(b)(3) के तहत कार्यवाही करने के आदेश दिए गए। आदेश का पालन नहीं करने पर महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 की धारा 53(a) अंतर्गत नोटिस शामिल कर 19 मई 2022 को अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। उसके बाद टीन का शेड बनाकर होटल का संचालन किया जा रहा था। मनपा प्रवर्तन विभाग ने दोबारा कार्यवाही कर टीन का शेड तोड़ दिया। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही का विरोध होने की आशंका रहने से तगड़े पुलिस बंदोबस्त के बीच अतिक्रमण हटाया गया। यापूर्वी आपण हे एमएससी कॅन्टीन जे तोडली होती, परंतु यावर पुन्हा टेम्पररी बांधकाम केलेलं आहे, त्यामुळे आपण हे पूर्ण टेम्पररी बांधकाम काढत आहोत। आणि यापूर्वी काल आपला महानगरपालिकेतील जे स्तर विभाग आहे त्यांनी 81(b) अंतर्गत कारवाई केली, कारण की 5/8/2022 मुंबईत देण्यात आला होता 81(b)चा कागद घेण्याबाबत, त्यानुसार काल कारवाई करण्यात आली। एमएलसी कॅन्टीनला प्रोसिंग करण्यात आलेलं आहे आणि आपण त्याला घेण्यात आलेलं आहे आणि आज जे टेम्पररी बांधकाम केला करण्यात आलेलं आहे। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।